हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सारी प्रॉब्लम को कवर करेंगे जो प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के बाद फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है और गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी देती है। किसी कंपनी का स्कूटर महंगा भी होता है तो किसी कंपनी का सस्ता भी। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के एडवांटेजेस के बारे में। नो पॉल्यूशन। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर में मोटर लगा होता है जो बैटरी से चलता है और इस प्रक्रिया में कोई भी विषैले गैस का इमिशन नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। मेंटेनेंस। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर में मेंटेनेंस ना के बराबर है। भले ही अगर 4-5 साल में आपकी बैटरी डेड हो जाए तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, बाकी आपको टाइम टाइम पे ग्रीसिंग वगैरह करने की ज़रूरत है। माइलेज रेंज। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेंज लगभग 80 से 100 किलोमीटर के दायरे में होता है और आप अगर 100 किलोमीटर के अंदर ट्रेवल करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकता है। चीप रनिंग कॉस्ट। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये फ़ायदा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने के लिए कम से कम रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर का रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, करीब 20 पैसे में 1 किलोमीटर आप चल सकते हैं। इसकी चार्ज होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी 4 से 5 यूनिट लगता है, यानी कि 20-25 रुपये में आपके स्कूटर का बैटरी चार्ज हो जाता है और चार्ज होने पर करीब 80 किलोमीटर चलता है, तो 1 किलोमीटर का कॉस्ट लगभग 20 पैसे आता है। नो स्टार्टिंग प्रॉब्लम टू पेट्रोल इंजन। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से भी फायदा होता है कि आपको पेट्रोल इंजन की तरह इसको स्टार्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ इग्निशन ऑन करो और चलते रहो। रिमूवेबल बैटरी। दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी मिलता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास अगर 2 बैटरी है तो 1 बैटरी आप स्कूटर में लगा सकते हैं और दूसरा आप घर पे चार्ज कर सकते हैं, जिससे आप जब भी चाहे आप इसको चेंज करके आप चला सकते हैं। कॉस्ट। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर का शुरुआती कीमत थोड़ी महंगा है, चूँकि इसकी रनिंग कॉस्ट कम है तो ये आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बचत कर सकता है। इट इज़ बेटर टू डेली राइड शॉर्ट राइड। दोस्तों, अगर आपको डेली राइड शॉर्ट राइड ऑफिस स्कूल जाना मार्केट जाना इन पर्पज़ के लिए आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की ज़रूरत है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। माइलेज रेंज। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1 बार चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है और इसकी रेंज 80 से 100 किलोमीटर होती है। अगर आप पेट्रोल इंजन की तरह से तुलना किया जाए तो पेट्रोल इंजन में करीब 9 लीटर पेट्रोल डलता है और फुल टैंक में करीब 350 से 400 किलोमीटर चलता है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप चार्ज करेंगे 4.5 घंटे में और आप 80 से 100 किलोमीटर ही चला पाएंगे, तो ये हमको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा। नॉट एबल टू लॉन्ग ड्राइव। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप लॉन्ग ड्राइव के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी माइलेज रेंज कम है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं, अगर रास्ते में आपकी स्कूटर की बैटरी ख़त्म हो जाए। लोअर टॉप स्पीड। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमेशा से कम टॉप स्पीड ही मिलता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर का टॉप स्पीड 60 से 80 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि पेट्रोल इंजन के टॉप स्पीड से काफ़ी कम है, तो आपको एक कमी महसूस हो सकता है। बैटरी इशू। दोस्तों, करीब 4 से 5 साल में इसकी बैटरी डेड हो जाती है, तो आपको करीब 20 से 26 हज़ार का मेंटेनेंस करना पड़ सकता है। कॉस्टली। दोस्तों, स्कूटर में लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है, जो काफ़ी कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक स्कूटर का कॉस्ट भी पेट्रोल इंजन के मुकाबले काफ़ी महंगा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये पेट्रोल इंजन से सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट कम है। नो एनी पावर स्टेशन एवरीवेयर। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर को हम मार्केट, सिटी, हॉस्पिटल, मॉल और ऑफिस के लिए यूज करते हैं, और वहाँ पे सब स्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और शहर में धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो रहा है।
कुछ समय ऐसा आ जाएगा जहां इन इलेक्ट्रिक स्कूटर को उस जगह चार्ज करने की सुविधा मिल जाएगी। पार्ट एबिलिटी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो रही है और हर छोटे बड़े जगहों पे इसकी पार्ट अवेलेबल नहीं है। अगर आपके स्कूटर का कोई पार्ट बिगड़ जाए तो जिस कंपनी का स्कूटर है उसी कंपनी के सर्विस सेंटर में आपको ये पार्ट मिलेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर हमें किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है, उन सारी बातों को इस वीडियो में कवर किया है। हो सकता है कोई पॉइंट हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपके पास पहले से इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक है तो अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।